सपने देख के आए थे, अलाहाबाद मिल रहा है। रायपुर के सपने देख के आए थे, अलाहाबाद मिल गया। हम टीचर ढूंढने आए थे, हमें जिंदगी भर का गुरु मिल गया। चलिए एक और स्टूडेंट से मिलते हैं, प्रभात कुमार जो कि रांची से हैं, जिनका ऑल इंडिया रैंक 239 है और इनको एनआईटी इलाहाबाद अलॉट हुआ है। सबसे पहले इस रैंक के लिए आपको बेटा बहुत सारी बधाई। थैंक यू सर। और मैं आपको बता दूं कि इसने भोपाल आके क्लासरूम कोर्स ज्वाइन किया था प्रभात ने। तो प्रभात जब आप भोपाल आए, क्योंकि जब हम घर से निकलते हैं तो कई सारे अलग चैलेंज होते हैं, घर पे अलग चैलेंजेस होते हैं, तो जो आपने ये प्रिपरेशन करी, जो आपकी सक्सेस जर्नी है, वो क्या एक्सपीरियंस रहा, मैं चाहूंगा आप बताओ, जिससे कई सारे बच्चे उसको अपने आप को रिलेट कर पाए और उनको अगर लाइफ में कुछ करना हो तो वो देर ना करें और एक्शन लें। यस सर। सबसे पहले तो मैं हमेशा से कंप्यूटर पढ़ना चाहता था, लेकिन 10 तक सही से चला, 11, 12 फिर मस्ती में निकल गया। 12 में जाकर के पता चला कंप्यूटर पढ़ने के लिए एक्चुअली में तुम्हें मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, तब जाकर तुम्हारा एडमिशन होगा जेई मेंस में सही जगह पे। तो फिर उस टाइम पे पता चला आपको चारा बचा नहीं था उस टाइम पे प्रिपरेशन करने का, तो जेई मेंस मैंने सब मार दिया, मेरा आया नेगेटिव 1। फिर पापा से कहा ड्रॉप लूंगा, पापा बोले कितने नंबर आए, बोले माइनस, बोले बगल वाले कॉलेज में एडमिशन ले लो तुम। ले लिया उस टाइम पे, कुछ अपने में कॉन्फिडेंस नहीं था, दूसरों को क्या बोलते, खुद का टूट गया था। फिर वही कॉलेज भी वैसे ही चला, फिर उसके बाद भी निमसेट करना था, जॉब लग गई तो सोचा कि जॉब ही कर लूँ, विप्रो में हो गया, कॉग्निजेंट हो गया, सोचा कर लूँ, पापा ही बोले कर लो। लेकिन फिर एक दिन अचानक से याद आया, सपना तो सपना होता है ना, करना तो वही था, अब कैसे छोड़ दिया से। फिर 30th of November 2020 को ये आया, 31st को मैंने पापा को बोला, और इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोला ना, पापा एक बार में बोले कब जाना है तुम्हें, अगले दिन बोले चले जाओ। फिर हम 3 को यहाँ पे पहुंच गए और सर की एक वीडियो देखी थी, मतलब दिल को छू गए थे सर उस वीडियो पे, तो सीधा यहाँ पे आ गए, कुछ नहीं सोचा, सीधा यहाँ पे आए। तो फिर लगा था थोड़ा बहुत होगा, लेकिन सर ने नॉलेज के साथ लाइफ में बहुत कुछ सिखाया, जो कि नॉलेज के अलावा बहुत ज्यादा काम आएगा, और वही चीज मेन बनाया, जो प्रेशर हैंडलिंग होता है ना यार, नॉलेज तुम्हें कहीं से भी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे सर ने जो सिखाया, अपने एक्शन से सिखाया, इनडायरेक्टली बहुत चीजें सिखाई है हमें, तो वो चीजें बहुत ज्यादा काम आई, प्रेशर हैंडल करने पे, हर चीज करने पे। मैं पहली बार घर से बाहर निकला था, स्टार्टिंग में यहाँ पे सब हेल्पफुल लोग थे, सबने बहुत अच्छे से हमारे दोस्त बने, परिवार के जैसे, बहुत मजा आया। फिर स्टार्टिंग में यार मेरे को मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती थी, एकदम जीरो। फिर यहाँ पे जब आया ना, फिर देखा कि लोग सब मतलब बड़े बड़े बुक बना रहे, मोटे मोटे, हमसे कुछ नहीं हो रहा। स्टार्ट में कोई डबल टॉपर थे, कोई यूनिवर्सिटी टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, ऐसे अपने कॉलेज के टॉपर थे। अपन सोचे तो इसमें क्या करते हैं, जॉब कर लेते, 5 साल में ऐसे भी 6-7 लाख रुपए हो जाते, बेकार में आ गए, ऐसा स्टार्टिंग में फीलिंग आई। लेकिन फिर सोचा नहीं यार करते, अब कर लिया ना करते, फिर करने बैठ गए। स्टार्टिंग में फिर बहुत बुरी रैंक आती थी हमारी, 500 बच्चे जितने बच्चे थे हमारी रैंक 200-300 में आती थी, कुछ नहीं आता था उस टाइम मैथ्स में। फिर धीरे करते गए, आरटी सब्जेक्टिव पूरी सॉल्व करी अच्छे, तो और कुछ नहीं सॉल्व करा, करते गए, सर की जो सीट मिलती थी, सर की हर गाइडेंस फॉलो करी और वो करते गया, फिर रैंक हमारी नहीं आती थी। फिर लॉकडाउन जब हुआ ना, लॉकडाउन वॉज माई टर्निंग पॉइंट, लॉकडाउन में सब जब घर चले गए, हम यहीं रुके और एक दिन भी रेस्ट नहीं लिया, एक दिन भी नहीं, उसी टाइम पे हम उठे वहां पे, और जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ फिर से मॉक स्टार्ट हुए, तो हमारे रैंक बहुत अच्छे आने लगे उस टाइम पे, अंडर 50 हमेशा, और फिर धीरे धीरे ऐसे बढ़ते बढ़ते खुद पे भरोसा रख के करते गया, एक मिनट भी रुका नहीं, ना सोचा कि नहीं होगा तो क्या होगा, बस करते गया और बहुत अच्छे से गया। लास्ट मॉक में मेरी वो फर्स्ट 1 रैंक थी यहाँ पे, तो उस दिन लगा यार बहुत कुछ सीख गया हूँ, उस दिन नहीं पहले ही, अगर सिलेक्शन अभी नहीं भी होता ना, मेरे AI 239 नहीं भी आती ना, फिर भी सर ने हमें इतना कुछ सिखा दिया, कहीं भी जाते ना अच्छा करते, हमें अलाहाबाद मिले चाहे रायपुर मिले, हम वहां जाके भी मचाएंगे। देखिए प्रभात ने कितनी अच्छी बात बोली, सबसे पहले तो प्लेसमेंट होने के बाद प्लेसमेंट नहीं लिया, क्योंकि क्या होता है, और एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं कई बार जब बच्चों को जब यहाँ जब सेशन देते हैं तो बहुत सारी चीजें सुनता हूँ, कि IIT में माइनस मार्क आने के बाद अपने आप को कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद दोबारा तैयार करना, जैसे चाहता तो यह आप फाइनल के बाद जो कंपनी मिली थी कर सकते थे, पर वो नहीं किया, वो पहला एक समझौता था, पर वो समझौता आज आपको बहुत काम आएगा। दूसरी बात, जैसे हम हमेशा बोलता हूँ, इम्पीटस गुरुकुल एक फैमिली है, रैंक से कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ को जीना और समझना। मैं हमेशा ये मानता हूं कि इम्पीटस का बच्चा एक ऐसा बच्चा होना चाहिए जो लाइफ में किसी भी सिचुएशन को हैंडल करे, और वो आप सीख गए, यही एक सबसे बड़ा अचीवमेंट है। अभी तो आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे, अब आपको मुंड के नहीं देखना है, पर ये एक अच्छा अचीवमेंट है आपकी लाइफ का, और मैं कहूंगा कि ऐसी जीवन में आगे बढ़ो और दूसरों को भी मोटिवेट करो। सर एक और बात बिल्कुल बोलो, आप जो आपके मन में बिल्कुल बोलो, क्योंकि जब आप क्या होता है, जब बच्चे ये सुनते हैं
तो अपने आप को कनेक्ट करते हैं और कहीं ना कहीं वो इस चीज के बाद आगे कुछ एक्शन लेते हैं। हाँ सर, सर मेरे मतलब मैंने मेरे पापा से बहुत कुछ सीखा है। हर चीज केवल पढ़ाई वाली नॉलेज काम नहीं आती, जो आप लोगों को देख के सीखते हो ना एक्चुअली वो काम आती है। मैंने पापा से बहुत कुछ सीखा और फिर उसके बाद मैंने किसी से सीखा तो वो शरद सर है। मतलब सही बता रहे, एक एक चीज जो छोटी छोटी चीज होती है ना उनकी देखोगे ना मेहनत करना सीख जाओगे। हमें मैट्रिक्स का जब क्वेश्चन सर करा रहे तो एक बार करा के समझा दिए चलो हो गया, फिर दूसरी बार वही एक बड़ा सा 3x3 मैट्रिक्स लिए फिर से कराए सर पूरा सॉल्व करके बताए, फिर तीसरी बार फिर से लिख दिए। अब हमें लगा कि हमें आ गया सीख गया अब क्यों बनाए, लेकिन सर ने खुद से बनाया वो। हमें लगा कि जब सर बना रहे हमें भी बनानी चाहिए, सर ने एक और बार लिख दिया और फिर से सर से खुद से सॉल्व करी। एक क्वेश्चन करने 2-3 मिनट लगते थे लेकिन सर फिर भी कर रहे। वो हमें सिखाया कि ना कभी क्वेश्चन नहीं छोड़ना यार, इजी है तुमसे बन जाता लेकिन करना। वैसे छोटी छोटी ऐसी ऐसी चीज सीखो सीखने को मिला ना यहाँ पे जो कि बहुत खास तौर कहीं सीख नहीं पाते। सो सर थैंक यू बहुत उसके लिए। थैंक यू बेटा, और ये बहुत अच्छी बात बताई आपने बच्चों को कि जैसे मैं कई बार कर रहा हूँ वही चीज होती है, हिम्मत नहीं आना है और लगातार मेहनत करना, और लगातार की गई मेहनत का नतीजा हमेशा पॉजिटिव होता है। ऑल द बेस्ट एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।